मायोफाइब्रिल्स शो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स इन। तो अभी हमने बात करी, हमने एक मायोफाइब्रिल बनाया था, तो ये हमारा मायोफाइब्रिल था। ये क्या था? हमारा मायोफाइब्रिल था। और इस मायोफाइब्रिल में यहाँ पर क्या है, ये हमारा मायोफाइब्रिल है और यहाँ पे अल्टरनेट, ये देखिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर है डार्क बैंड, डार्क बैंड, ठीक है। और यहां पर दिस इज लाइट बैंड, लाइट बैंड। तो ये क्या है यहाँ पर टीचर्स, ये हमने क्या बनाया है, ये हमने एक मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर बनाई है, एक मायोफाइब्रिल की यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई है। और ये जो डार्क और लाइट बैंड होते हैं, ये यहाँ पे जो हमने डार्क और लाइट बैंड बनाया है, ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यदि हम जाएं तो डार्क बैंड जो है वो मायोसिन की वजह से बनते हैं, ठीक है, और लाइट बैंड जो है वो एक्टिन की वजह से बनते हैं। तो इनके इनके क्या होते हैं, इनके अरेंजमेंट की वजह से, इनके अल्टरनेट अरेंजमेंट की वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डार्क और लाइट बैंड हमें विजिबल होते हैं। और ये डार्क और लाइट बैंड जो हमें विजिबल हो रहे हैं, ये कौन सी मसल्स में विजिबल होते हैं हमें, ये विजिबल होते हैं हमें स्ट्राइटेड, स्ट्राइशंस के फॉर्म में, ठीक है, स्ट्राइशंस के फॉर्म में विजिबल होते हैं। और ये स्ट्राइशंस हमारे पास टू मसल्स के अंदर है, हमारे पास दो मसल्स है जो स्ट्राइटेड होती है, एक होती है हमारी स्केलेटल मसल, ठीक है, स्केलेटल मसल, और दूसरी होती है हमारे कार्डियक मसल, ठीक है। तो ये स्ट्राइशंस जो है एक्टिन और मायोसिन के रेगुलर अल्टरनेट अरेंजमेंट की वजह से बन रहे हैं डार्क और लाइट बैंड। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कार्डियक बैंड भी सही है, स्मूथ मसल नहीं आएगा, स्ट्रिप्ड मसल भी सही है, आप स्केलेटल को ही स्ट्रिप्ड मसल बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड सी आंसर आ जाएगा, तो हमारा डी वाला ऑप्शन टीचर्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन की कैटेगरी इजी कैटेगरी,